फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट अलका और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। और नेक्स्ट नाइन न्यूज में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं दबंग खान शो। दबंग यानी कि बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान। सलमान खान के बारे में बात करें तो सलमान खान की जो फिल्में होती हैं तो वो कलेक्शन के मामले में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित होती हैं, नो डाउट। लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो सलमान की फिल्म रेस 3 जो रिलीज हुई उसको क्रिटिक्स की तरफ से अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की। हाल फिलहाल अभी बिजी है सलमान द बैंग टूर में, लेकिन यहाँ पर सलमान की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब आपको बता दें कि सलमान जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं या कहीं पे भी होते हैं तो सलमान और शादी मानो ये एक चूहे बिल्ली का खेल है। सलमान जहां पे भी जाते हैं शादी से जुड़ा सवाल उनसे कर लिया जाता है, फिर चाहे वो मीडिया हो, फैंस हो या इंडस्ट्री से जुड़े लोग हो, इनसे हमेशा शादी के बारे में पूछा जाता है। तो हाल ही में द बैंग टूर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही हुआ कि जहां एक रिपोर्टर ने सलमान से पूछा, अब तो वीरे दी वेडिंग आ गई भाई, शादी कब करोगे? तो देखिए जरा सलमान का निराला अंदाज, जब वक्त आएगा तब शादी करूंगा। लेकिन इस समय भी वो पलट गए अपने जवाब से। वेल, उन्होंने बाद में कहा, भाई ना कहती तो अब तक शादी कर लेते। वेल, यहाँ पर सलमान ने बातों बातों में किसकी तरफ इशारा किया है? जी हाँ, आपको बता दें हम यहाँ बात कर रहे हैं उस इशारे की, उस कनेक्शन की, बॉलीवुड की टाइग्रेस कही जाने वाली कैटरीना कैफ। वो कुछ इस तरह से, क्योंकि अपने एक इंटरव्यू में कई सालों पहले कैटरीना कैफ बता चुकी हैं सलमान को बड़े भैया की तरह, जहाँ पर सुल्तान भड़क गए थे। और क्या है पूरा मामला दबंग खान शो में आज हम आपके लिए लाए हैं, तो देख लीजिए। लेकिन सलमान से जुड़ी रीसेंट अपडेट भी हम आपको दिखाएंगे। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान और उनसे जुड़ा शादी का सवाल मानो एक चूहा बिल्ली का खेल हो चुका है। जहां भी जाते हैं सलमान तो मीडिया, फैंस, इंडस्ट्री से जुड़ा कोई ना कोई शख्स उनसे शादी से जुड़ा एक सवाल कर ही लेता है। और ये नजारा देखने को मिला द दबंग टूर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। सलमान के साथ जैकलीन, डेजी शाह और कैटरीना भी मौजूद थे। सलमान खान से पूछा गया कि वीरे ने वेडिंग भी आ गई भाई, अब तो बता दो कि आप शादी कब करेंगे, भाभी कब आएंगे? ऐसे में सलमान ने कहा कि भाभी को आने में अभी वक्त है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि सलमान ने ये भी कहा कि अगर वो भाई ना बोलती तो शादी कर लेते। वेल, आपको याद दिला दें कि कैटरीना भी कई साल पहले सलमान को भाई बोल चुकी हैं, जहां उन्होंने कहा था कि सलमान मेरे बड़े भाई की तरह है, जिसके बाद सल्लू भड़क गए थे। वेल, ये इशारा सलमान का कहीं कैटरीना की तरफ तो नहीं। बॉलीवुड की टाइग्रेस कैटरीना कैफ फिलहाल द बैंग टूर के लिए सलमान के साथ यूएस में है। हाल ही में कैटरीना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की। बता दें कि एक्ट्रेस ने बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी, जहां पफ स्लीव के साथ वो ड्रेस नजर आ रही थी। कैटरीना ने जब ये फोटो शेयर की तो उस फोटो को शेयर करते हुए कैप्शन दिया उन्होंने। बता दें कि यहां पर कैटरीना इस फोटो में काफी खूबसूरत लग रही थी। जी हाँ, कैटरीना की शेयर की गई हुई फोटो आप हमारी इस रिपोर्ट में देख पा रहे होंगे कि किस तरह वो पिंक ड्रेस में कितनी खूबसूरत लग रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि कैटरीना कैफ जो कि सलमान खान के साथ द बैंग टूर में परफॉर्म करने वाली हैं, जिसके लिए फैंस कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है, क्योंकि उनका एक सरप्राइज परफॉर्मेंस होगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सेलेब्स के बीच अनबन को लेकर खबरें आती रहती हैं और कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में सलमान से दुश्मनी करना बड़ा महंगा पड़ सकता है। बता दें कि ऐसी अनबन जूही और सलमान के बीच हुई थी। सलमान खान ने आज तक उनको माफ नहीं किया है। एक समय लगातार सलमान की फिल्में ड्रॉप हो रही थी और जब एक डायरेक्टर फिल्म के लिए सलमान को बतौर अभिनेता साइन करना चाहता था, उस फिल्म के लिए एक्ट्रेस जूही चावला थी, लेकिन डायरेक्टर को जूही ने ये फिल्म करने से मना कर दिया। जूही ने बोला वो इस फिल्म में तब काम करेंगे जब सलमान को निकाल कर आमिर को इस फिल्म में बोल देंगे। सलमान को ये बात पता चल गई। सलमान खान को उस समय बहुत गुस्सा आया। तब से लेकर आज तक सलमान खान ने जूही चावला के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं किया है। वेल, ये भी हम कह सकते हैं कि लगता है सलमान ने अब तक जूही को माफ नहीं किया। बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान के मिजाज से हर कोई वाकिफ है। बता दें कि सलमान यूं तो
प्रमोशन के दौरान मीडिया से रूबरू होते नजर आते हैं, लेकिन हाल ही में सलमान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर वो मीडिया से जनाब रूबा तो दूर तो हो ही रहे हैं, लेकिन इसी दौरान वो फीमेल रिपोर्टर संग फ्लर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि सलमान खान रिपोर्टर से दरअसल ये कहते हुए नजर आते हैं कि आपको मैं हैंडसम नहीं लगता क्या, बताइए। उसके बाद वो हंसने लगते हैं। बता दें कि सलमान का ये वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है काफी पसंद किया जा रहा है। वैसे भी सलमान अपने रंगीन मिजाज के जाने जाते हैं, जहां सलमान की लाइफ में अनगिनत लड़कियां आ चुकी हैं, लेकिन आज भी उनकी शादी को लेकर खबरें बनती रहती हैं कि जनाब वो शादी कब करेंगे। सलमान के टीना की जोड़ी हमेशा से ही बड़े पर्दे के साथ साथ रियल लाइफ में भी हमेशा जबरदस्त रही है। वहीं फैंस इन दोनों की शादी होते हुए भी देखना चाहते हैं। फिलहाल ये तो पता नहीं कि सलमान कैटरीना से कब शादी करेंगे, लेकिन कैटरीना का सलमान का प्यार एक टाइम पर खूब आसमान छू रहा था, लेकिन ब्रेकअप के बाद भी इन दोनों की बॉन्डिंग काफी मजेदार है। इन दोनों को देखने के बाद तो यही लगता है कि आज भी ये दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं प्यार करते हैं। वहीं अगर बात की जाए सलमान की, तो आपको बता दें सलमान की आंखों में कैटरीना के लिए प्यार हमेशा से ही देखा गया है, और इन दिनों ये कैटरीना और सलमान फिर से एक दूसरे के बेहद करीब आ गए हैं, और इसका सबूत भी हाल ही में हम लोगों को मिल चुका है। जी हां, दरअसल सलमान, कैटरीना, जैकलिन फर्नांडिस, सोनाक्षी सिन्हा और डेजी शाह द बैंग टूर के लिए US आए हैं। इससे पहले उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सलमान कैटरीना के कानों में कुछ कहते हैं और फिर दोनों एक साथ जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब कैटरीना के कानों में सलमान ने कौन सी बात कही ये तो उन्हें ही पता होगा, लेकिन इतना तो तय है कि दोनों को इस तरह देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं होगा। बता दें इससे पहले भी द बैंग टूर के दौरान ही सलमान कैटरीना को एक ही कप में कॉफी पीते हुए भी देखा गया था। वेल, अब हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सलमान और कैटरीना अब जल्द से जल्द शादी कर लें। और बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान की बात करें, जिस तरह से हमेशा अपनी हसीनाओं के साथ नजर आते हैं, देखा ही होगा आप सभी ने कि किस तरह से दोस्ती दुश्मनी सब कुछ बड़ी शिद्दत से निभाते हैं भाईजान। जी हाँ, जहाँ भी जाते हैं उनकी दोस्ती दुश्मनी हर चीज की चर्चाएं होती है। वेल, आपको बता दें जहां एक तरफ हाल फिलहाल कैटरीना कैफ को इनडायरेक्टली बोलने को लेकर सलमान चर्चाओं में है, तो इसी साथ आपको बता दें कि सलमान अपनी फिल्म भारत की शूटिंग को भी जल्द शुरू करने वाले हैं। जी हां, खबरें हैं कि जल्द से जल्द फिल्म भारत की शूटिंग शुरू हो जाएगी। तो वहीं बता दें कि फिल्म भारत के बाद सलमान के पास एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट है दबंग 3 से लेकर शेर खान। जी हां, शेर खान की बात करें तो सलमान इस प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए नजर आएंगे, जहां पर सलमान के फैंस को अपनी रेस 3 वो दे चुके हैं, जहां अच्छी खासी कमाई हुई है इस फिल्म की। अब हर किसी को इंतजार है सलमान की अगली फिल्म का। जी हां, और वो जो अगली फिल्म होगी वो सलमान की फिल्म दबंग 3 होगी, क्योंकि दबंग की जो पहली दो सीरीज थी उसे लेकर सलमान खान काफी ज्यादा चर्चाओं में थे और उस फिल्म ने अच्छी खासी कमाई भी की थी। लेकिन अब और फिल्मों की बात करें तो दबंग 3 की जो आएगी वो दबंग की सीरीज, उसे लेकर भी फैंस की एक्साइटमेंट अभी से देखने को मिल रहा है। जी हाँ, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह ये चर्चे हैं कि सलमान की फिल्म दबंग 3 कब आएगी। फिर बता दें कि ऑन फ्लोर सलमान की फिल्म दबंग 3 कब जाने वाली है फिलहाल तो इस बात का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये बात जरूर कंफर्म हो चुकी है खबरों की माने तो सलमान खान की फिल्म दबंग 3 जल्द से जल्द शुरू हो सकती है। तो ये था आज का हमारा शो दबंग खान शो, जिसमें हमने आपसे बात की सलमान के बारे में कि किस तरह से सलमान की शादी का जो मुद्दा है वो फिर से भर पाया है, और तो और जब सलमान से मीडिया ने सवाल किया तो किस तरह से अपने पैर पीछे खींचते हुए नजर आए और बड़े ही चालाकी से सलमान सबके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। लेकिन देखिए ना, सलमान ने अपना एक स्टेटमेंट क्या दिया, अब हर जगह हलचल मच चुकी है, और जो सलमान का वो स्टेटमेंट है भाई वाला वो बॉलीवुड के टाइग्रेस, जी हाँ बिल्कुल सही समझा है, धूम गर्ल यानी कि कैटरीना कैफ से कनेक्ट किया जा रहा है। वेल, ऐसे में लगता है सलमान के मन में जो कैटरीना जो बस्ती है वो आज भी उनसे शादी को लेकर कुछ कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल जब तक ऑफिशियली तौर पर के
स्टेटमेंट पास नहीं करते तब भी हम तब तक उनसे जुड़ी खबरें आप तक लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि कल फिर लेकर आऊंगी आपके लिए खास शो। नमस्कार।